नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार, आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। इस वक्त हूं मैं पटना के पीएनएम मॉल में सिनेपोलिस थिएटर में, जहां पर लगा है आदि पुरुष। जी हां, ये काफ़ी चर्चा में ये मूवी रही है और आज आदि पुरुष हम देखने आए हैं। और मूवी हमने देखा, मूवी में जैसा कि प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट किया था कि उस मूवी में एक जो सीट है वो हनुमान जी के लिए रहेगा, लेकिन पटना में देखिए साक्षात हनुमान जी खुद मौजूद थे और पूरे फिल्म का मजा लिया आपने। आपका नाम क्या हुआ? राधे यदुवंशी। तो आपने पूरे फिल्म का मजा लिया? जी। प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट किया था कि हनुमान जी स्वयं एक सीट उनके लिए खाली रहेगा, तो वो सीट बैठ कर मूवी का मजा लिया। हाँ, मजा। कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छा है। मूवी अच्छी लगी जी। कुछ प्रेरणा आया? हाँ, मूवी अच्छा है आज के टाइम के हिसाब से। आज के टाइम के हिसाब से, मतलब रामायण की ही कहानी है। हाँ। थोड़ा सा बदलाव किया गया है आज के जो जनरेशन उसके हिसाब से। 3D बनाया गया है बस। तो अगर जब जब हनुमान जी की एंट्री होती थी तो मतलब कुछ एनर्जी आती थी? हाँ, हनुमान जी का एंट्री होगा तो एनर्जी आएगा ही। चलिए, दर्शकों ने काफ़ी आपसे मतलब काफ़ी सेल्फी मिले, मतलब आज के यहाँ के जो हीरो थे वो आप ही रहे? हाँ बिल्कुल, अभी इससे पहले अभी रामनवमी में राम थे हम, अभी हनुमान बने हैं। चलिए, तो इस पूरे मूवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मूवी है और इंटरटेनमेंट के हिसाब से बढ़िया है। बढ़िया है। उन्होंने जो वहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में, उन्होंने बता दिया था कि ये जो रामायण वाल्मीकि की रामायण है उनसे थोड़ा अलग है, उनसे फिल्म से ये कोई रिलेटेड नहीं है। जी। चलिए, तो एक बार जय श्री राम का नारा लगा। जय श्री राम।